वेलकम टू तिवारी क्लास, वेलकम टू तिवारी क्लास। सारे बच्चे एक बार ज्वाइन हो जाएंगे, सारे के सारे बच्चे एक बार ज्वाइन हो जाएंगे, सारे के सारे बच्चे एक बार ज्वाइन हो जाएंगे, जल्दी जल्दी सारे के सारे एक बार बच्चे ज्वाइन हो जाएंगे, सारे के सारे सारे के सारे के सारे एक बार बच्चे ज्वाइन हो जाएंगे। चलिए चलिए चलिए, चलिए एक बार सारे बच्चे, एक बार सारे बच्चे सेशन को लाइक करेंगे। चलिए स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। बताओ सारे बच्चे आ गए धीरे धीरे। चलो चलो, राजपाल आ चुके हैं, सुरेंद्र भी आ चुका है, अलका आ चुकी है, और आपका अंजलि कश्यप, सुरेंद्र, ठीक है ठीक है ठीक है, राधे राधे। चलो, वैसे तो सरस्वती पूजा का भीड़ भाड़ वाला दिन था, लेकिन सोचे कि नहीं नहीं करा देते हैं, आज करा देते हैं, क्योंकि कल तो बहुत हल्ला रहेगा ना हर जगह। चलो चलो चलो, स्टार्ट करें। एक बार सारे बच्चे बोलेंगे स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। चलो सर, कल सरस्वती पूजा है, कल सरस्वती पूजा है, इसीलिए थोड़ा तो मान लो कि हम लोग कोई, हम लोग एजुकेशन में है, तो आप लोग भी वही फील्ड में हो ना, टीचर स्टूडेंट का तो एक ही होता है ना, टीचर और स्टूडेंट, टीचर और स्टूडेंट का एक ही है ना, एक ही है ना, बताओ सर, टीचर स्टूडेंट का तो एक ही है, तो इसके लिए सही है ना कम से कम प्रे। चलो 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 अलका, चलो चलो चलो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार सारे बच्चे पढ़ेंगे, एक बार सारे बच्चे पढ़ेंगे, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सारे बच्चे एक बार पढ़ेंगे, एक बार सारे बच्चे पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग कह रहा है, इनमें से कौन सा, हम आपको पढ़ के बता देते हैं, हम आपको पढ़ के इसका मीनिंग बता रहे हैं, फिर हम आपसे आंसर बनवा रहे हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे, पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे कह रहा है कि आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग टू द कंबाइंड वैक्सीन टू चिल्ड्रेन, बच्चे को दिया जाता है टू प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा, किसके लिए, तो टेटनस से, कफ हो गए, और आपका डिफ्थीरिया हो गया। कौन ऐसा वैक्सीन है इसमें से, कौन ऐसा वैक्सीन है इसमें से, कौन ऐसा वैक्सीन, सॉरी, कौन ऐसा वैक्सीन है जो आपको तीनों तीनों के लिए दिया जा सकता है, कौन ऐसा वैक्सीन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंबाइंड, कंबाइंड वैक्सीन बताना सब, डीपीटी होगा कि बीसीजी होगा कि आपका तीसरा होगा कि चौथा एचआईवी होगा, बताओ बताओ अंजलि, सृष्टि। चलो चलो चलो, इसका क्या होगा, इसका सारे बच्चे एक रिप्लाई करेंगे, सारे बच्चे ए रिप्लाई दे रहे हैं, सुरेंद्र भी, सुरेंद्र का भी ए रिप्लाई है, आपका अलका का भी ए रिप्लाई है, संगमित्रा का भी ए रिप्लाई है, अंशु पंडित का भी ए रिप्लाई है, रानी मिश्रा का ए है, पायल सरकार का ए है, अलका का डीपीटी है, सृष्टि का भी ए है। चलो आगे आगे, और कोई बताएं, और कोई बताएंगे, और कोई बताएंगे, कविता का डीपीटी है, नेहा का भी ए है, राजपाल का भी ए है, नीरज का भी ये है, हिमांशी मौर्य का भी आपको बी है, सृष्टि सृष्टि सृष्टि, बताओ ध्यान से। चलो सब, ज्योति कोहली का ए है, ज्योति का, चलो 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 चलो, ज्योति, प्रिया त्रिपाठी ये बोल रही है, नेहा, निधि वर्मा, निधि वर्मा आपको, आपको यहाँ पे आपको डीपीटी बोल रही है, निधि, निधि कॉर्नर, निधि कॉर्नर हो गए, अंशिका यादव, अंशिका ये बता रही है, सौरभ ये बता रहा है, हाँ, तो सरस्वती का आवाज तो रिफ्लेक्ट होगा ही, अलका आवाज रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि आपको पता है भीड़ भाड़ वाला दिन है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलो चलो, यहाँ पे आपको बता दे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या 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 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डीपीटी एक ऐसा वैक्सीन है, डीपीटी 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 एक ऐसा वैक्सीन है, डीपीटी जो किसमें दिया जाता है आपको, कंबाइंड रूप में इसका यूज हो जाएगा, टेटनेस में भी, ठीक है, टेटनेस में, या आपको कफ में, या आपको डिफ्थीरिया में, ठीक है ना, चलो डीपीटी डीपीटी हो जाएगा, डीपीटी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसीलिए इसीलिए हमने सोचा है, इसीलिए हमने सोचा है कि कल तो आपको बताया, आज तो साउंड से आप लोग का थोड़ा हो रहा होगा, हम सोचे हैं कि कल आपका बंद ही रखने का हमने प्लान बनाया है,
हमने कल बंदी रखने का प्लान बनाया है, क्योंकि आपको पता है अब चूंकि पूजा का दिन है तो मना तो नहीं किया जा सकता है कि हाँ गीत साउंड मत बजाइए, सही है ना? ठीक है ना, तो कल बंद रख सकते हैं, कल बंद रख सकते हैं, कल बंद रख सकते हैं, फिर परसों से स्टार्ट कर देंगे, फिर परसों से आना सर 7 बजे, ठीक है पलक? चलो 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 पलक आगे बढ़े। ओके डीपीटी, अब हमको ये बताओ कि आप लोग बहुत तेज तरार है, बहुत होशियार है, तो बीसीजी का वैक्सीन क्या चीज के लिए यूज होता है? बीसीजी का वैक्सीन, एक बार बीसीजी का वैक्सीन, बीसीजी का वैक्सीन, बीसीजी का वैक्सीन, बीसीजी का वैक्सीन, एक बार सारे बच्चे बताएंगे बीसीजी का वैक्सीन, बीसीजी का वैक्सीन, बीसीजी का वैक्सीन, बीसीजी का वैक्सीन किसके लिए, बीसीजी का वैक्सीन किसके लिए यूजफुल है? बीसीजी, बीसीजी का वैक्सीन, बीसीजी का वैक्सीन किसके लिए है बताओ अंशिका, बताओ बताओ। रिपब्लिक एडवांस सर जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी है रिपब्लिक। चलो चलो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, आप देखो बस आवाज क्लियर जा रहा होगा, हमने आवाज थोड़ा आपको हमने स्लो करवा दिया हल्का। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीसीजी का टीका कोई बता रहा है? कोई बताओ सर, बीसीजी, ट्यूबरकुलोसिस, 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 टीबी, अंशु पंडित, टीबी नहीं होता है, टीबी, टेलीविजन को वैक्सीन दोगे, टीबी लिख रहा हो, टीबी, टीबी को कभी टीका दिया जाएगा, टीबी को कभी टीका दोगे, टीबी को अंशु? चलो ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी मत लिखो सब, टीबी, हाँ टीबी। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, डीपीटी के बारे में हम जान गए ना, डीपीटी के बारे में, डीपीटी के बारे में कमांड स्टडी दिया जाता है। चलो पलक आगे बढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ लिया सबने, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकोरेक्ट रिगार्डिंग टाइफाइड डिजीज, इनमें से कौन सा बात आपका टीबी आपका टाइफाइड के लिए इनकोरेक्ट है, इनमें से कौन सा लाइन, इनमें से चारों ऑप्शन पढ़ो सर और बताओ हमको इनमें से कौन सा लाइन आपको टाइफाइड के लिए रॉन्ग है। हम इसका अगर मीनिंग होगा तो मीनिंग भी पढ़ के बता देते हैं, इसका बोलेगा सर तो इसका हम हिंदी मीनिंग भी बता देंगे। कह रहे टाइफाइड रोग के बारे में, इनमें से कौन सा चीज, कौन सा है टाइफाइड रोग के बारे में? पहला आपको ऑप्शन दिया है मैक्टो सॉरी माई माई यहाँ पे सॉरी लिख दे रहे माई माई माइको बैक्टेरियम आपका कॉज टाइफाइड, या दूसरा आप लोग देख सकते हैं इन्फेक्शन थ्रू होता है फूड एंड वाटर, या आपका तीसरा में दिया है सिम्टम इंक्लूड हाई फीवर वीकनेस हो गए, बहुत सारे हो गए लॉस लॉस, या आपका चौथा में आपको दे दिया है आपका यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इंटेस्टिनल आपका परफोरेशन एंड डेथ में अकर इन आपका केसेस, कौन सा होगा इनमें से, कौन सा टाइफाइड रोग के बारे में आपका गलत बात है? टाइफाइड, टाइफाइड बताओ सृष्टि, सृष्टि बताओ, ये बता रही है सृष्टि, सृष्टि ये बता रही है, साकिब क्या बता रहा है? चलो चलो इनमें से कौन सा, उनमें से कौन सा टाइफाइड के बारे में गलत बात है, रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा हमको ये बात बताओ सर कि इन्फेक्शन थ्रू आपका फूड एंड वाटर, क्या ये बात सही है? हाँ या ना, पहले हमको ये बात बताओ क्या ये आपका ये सही है, क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है? यस या नो में रिप्लाई दो सब, यस या नो में, यहां से ये बताओ सब, यहां से बताओ सब, टाइफाइड कॉज वो तो सही है लेकिन हमको ये बताओ ये सही है इन्फेक्शन थ्रू द इतना फूड एंड वाटर, ये सही है आपका दूषित पानी और, दूषित पानी और दूषित खाना खाने से टाइफाइड होता है, क्या ये बात सही है? यस या नो बताएंगे एक बार, हाँ ट्रू है, ठीक है तो ये तो होगा नहीं, आगे आगे देख लेते हैं, ये तो होगा नहीं। चलो आगे दिखा है सिम्टम्स होते हैं इंक्लूडिंग हाई फीवर होते हैं वीकनेस होता है और भी बहुत सारे होते हैं, ये भी सही बात है, टाइफाइड में ऐसा होता है कि तेज बुखार हो जाए, कमजोरी हो जाए, भूख नहीं लगना, ये सब होता है, बताओ सर, कब्ज बन जाए होता है, निधि बताओ, हाई फीवर बुखार हो जाए, ज्यादा कमजोरी हो जाए, खाना खाने का मन ना करे, ऐसा होता है कि नहीं होता है बताओ योगेश, ऐसा होता है बता ज्योति, बता ज्योति, चलो सही है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। चलो आगे इंटेंस आपका देख लेते हैं, परफोरेशन ऑफ डेथ एंड मेद अकर, या अगर गंभीर मामला में टाइफाइड से
गंभीर मामलों में आंतों, आंत समझते हो ना, आंत इंटेस्टाइन, आपका में आंतों में की वेद और मृत्यु हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है, ये भी सही है। चलो इसका मतलब साफ बात है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है ना, इसका साफ बात है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है सृष्टि आगे बढ़े, इसका साफ बात है कि ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, आगे बढ़े सृष्टि। चलो 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 सब, चलो सब, इसका साफ बात है कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे देखो, फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू द कंफर्म टाइफाइड फीवर, इनमें से किस टेस्ट के द्वारा पता चलता है कि टाइफाइड फीवर के बारे में, बताओ सर, इसमें से किस टेस्ट के द्वारा पता चलता है टाइफाइड के बारे में, एक बार सारे बच्चे बताएंगे, एक बार सारे बच्चे बताएंगे, एक बार सारे बच्चे बताएंगे, इसमें से किसके बारे में पता चलता है टाइफाइड के बारे में, इसमें से किसके बारे में पता चलता है टाइफाइड के बारे में, बताओ 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 सृष्टि। खुशी, खुशी, नेहा, नेहा सॉरी नेहा, निधि, सब कोई बताएगा एक बार, चलो सब एक बार सारे बच्चे बताएंगे, इनमें से किस टेस्ट के द्वारा पता चलता है कि आपका टाइफाइड टाइफाइड के बारे में है। पलक यस सर बता रही है, नम्रता, वाइटल टेस्ट, वाइटल टेस्ट, वाइटल टेस्ट, वाइटल टेस्ट, वाइटल टेस्ट, वाइटल टेस्ट, वाइटल टेस्ट। चल मुस्कान भी बता रही है, मुस्कान भी बता रही है, नीरज भी बता रहा है वाइटल टेस्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे और कोई, अलका भी बताओ। अच्छा चलो चलो अलका, इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन ऑप्शन जिन बच्चों ने आपका ऑप्शन बी अभी सिलेक्ट करोगे, बी सही उत्तर है इसका, बी सही उत्तर, ठीक है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। नीरज, नीरज बहुत बढ़िया परफॉर्म है। अब एक बार हम नाम ले लें, किसका किसका सही है, नेहा का सही है, राजपाल का सही है, योगेश का सही है, निधि का सही है, अलका का सही है, रानी का सही है, अंशु का सही है, रंजना का सही है, मनीषा का सही है, संदीप वर्मा का सही है, योगेश का सही है, नेहा का सही है, कविता का सही है, अंशु पंडित का सही है, पायल सरकार हो गई, रानी मिश्रा हो गई, संगमित्रा हो गई, प्रियंका शुक्ला हो गई, सुरेंद्र हो गया, मनीषा हो गई, शिवांगी हो गई, नेहा हो गई, सारे बच्चों का सही, बिल्कुल बिल्कुल। ज्योति, ज्योति का भी बहुत खुश है, ज्योति पे भी आज बहुत, ज्योति बिल्कुल सही बता रहे, माई राइट। चलो मनीषा, मनीषा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जो ज्योति, ज्योति कोहली का भी बहुत बढ़िया सही है, ज्योति बहुत बढ़िया पढ़ रही है। चलो सब आगे बढ़े, आगे बढ़े, निधि, कमलेश, हिमांशी, हिमांशी का भी सही है, सारे बच्चों का सही, सारे बच्चों का, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें सारे बच्चों का सही है। अच्छा हमको एक बात, आपने आपने तो बता दिया कि टाइफाइड करने के लिए आपका इस टेस्ट का उपयोग किया जाता है, और ये जो होता है ना फर्स्ट हो जाने, ये आपका डिप्थीरिया के लिए किया जाता है, ये टेस्ट का उपयोग किसमें होगा, अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो डिप्थीरिया, डिप डी अदा प, हम हिंदी में लिख देते हैं थी रिया, डिप्थीरिया, ये डिप्थीरिया, ये डिप्थीरिया से रिलेटेड, क्या चीज से रिलेटेड है, अंजलि कश्यप, ये डिप्थीरिया फर्स्ट वाला कैसे से रिलेटेड है, फर्स्ट वाला कैसे से रिलेटेड है आपका, डिप्थीरिया से रिलेटेड है, सही क्या चीज से हो जाएगा आपको, टाइफाइड से रिलेटेड हो जाएगा। थर्ड क्या है, थर्ड किससे रिलेटेड है, पैप वाला, पैपिस्मियर टेस्ट, ये हो जाएगा, ये आपका कैंसर से रिलेटेड है, सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड है, क्या चीज से रिलेटेड है, सर्वाइकल, सर्वाइकल हम हिंदी में लिख देते हैं क्योंकि यूपी बोर्ड के भी बच्चे बहुत ज्यादा देखते हैं, इंग्लिश वाले समझ जाएंगे अपना से, सर्वाइकल 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 कैंसर से रिलेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे चौथा क्या चीज से रिलेटेड है, क्या चीज से रिलेटेड है चौथा, तो ये आपका डेंगू से रिलेटेड है, क्या चीज से रिलेटेड है, डेंगू से रिलेटेड है, कोई दिक्कत, एक बार पहले बता देंगे, पहला हो जाएगा, पहला ही जो आपका टेस्ट है आपका डिप्थीरिया से रिलेटेड है, दूसरा टेस्ट हो जाएगा आपको टाइफाइड से रिलेटेड है, तीसरा हो जाएगा आपको सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड है, और चौथा टेस्ट आपको डेंगू से रिलेटेड है, ठीक है, कोई दिक्कत प्रकाश, चारों का हमने चार ऑप्शन से बता दिया, ठीक है पहल। चलो चलो आगे बढ़े सृष्टि, चलो चलो सृष्टि, ठीक है ना, डेंगू, डेंगू क्या हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा, चौथा जो होता है, चौथा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, टर्नी क्विड आपका, ये वाला कौन हो जाएगा टेस्ट, ये आपका डेंगू से रिलेटेड है, सर्वाइकल। हाँ चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े निधि, चलो कह रहा है कि आगे क्वेश्चन दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वाज निक नेम ऑफ टाइफाइड
मैरी। इनमें से किस व्यक्ति को टाइफाइड मैरी के नाम से जाना जाता है? किस व्यक्ति को? फर्स्ट वाला क्वीन मैरी, कि आपका मेरिडिथ मैरी, कि आपका मेरियम, किस नाम, किस व्यक्ति को? इनमें से किस व्यक्ति को इनमें से किस व्यक्ति को टाइफाइड मैरी के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही है। देख रहे हैं कितने बच्चों ने लाइक किया, एक बार हम देख ले, क्योंकि बच्चों का आप लोग का सबसे बड़ा चीज है कि आप लोग का देख लेते हैं एक बार देख लेते हैं कि सारे कितने बच्चों ने सेशन को लाइक किया एक बार। बस मात्र 17 बच्चे, बताओ 17 बच्चे, बस 17 बच्चे, इतना बच्चे आपको पता है ना, उतना बच्चे देख रहे हैं एक बार, सारे बच्चे एक बार, क्योंकि बाबू बहुत मेहनत होती है तब एक आपके लिए क्वेश्चन तैयार होता है। ऐसा नहीं है कि हम आपके लिए हमेशा जब एक्टिव रह रहे हैं, आप लोग का भी है, क्यों कम से कम मेरा मनोबल आप बढ़ाएं। एक बार सारे बच्चे क्वेश्चन बढ़िया लग रहा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमको लग जाएगा कि चलो भाई पसंद बच्चे का कर है ना, कम से कम लाइक से क्या होता है, हमको पसंद आ जाता है, एक होता है ना कि भाई चलो ये पसंद आ रहा है बच्चों का। एक बार क्या होता है बच्चों, एक बार रानी, एक बार सारे बच्चे देखिए, काफी कम बच्चे अभी लाइक किए, एक बार सारे बच्चे सेशन को लाइक कर देंगे, सारे बच्चे एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। इसका आंसर बताए, इसका आंसर बताए, इसका क्या हो जाएगा, इसमें से किसको टाइफाइड मैरी के नाम से जाना जाता है बाबू? इसको इसको नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है ए ए मैरी मैरी, ये वाला फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा, मैरी मेलन को आपको टाइफाइड मैरी के नाम से जाना जाता है। एक बार सारे बच्चे लाइक कर दिया सर, बिल्कुल बिल्कुल सही क्वेश्चन, क्वेश्चन बढ़िया होगा, बेहिचक लाइक करो, क्वेश्चन तगड़ा होगा, बेहिचक ह्यूमन डिजीज से है, ह्यूमन हेल्थ डिजीज से है बाबू, ह्यूमन हेल्थ डिजीज से सीधे छापता है। आप एम्स का एग्जाम दो, आप ऑल इंडिया में कहीं का भी एग्जाम दो, आपको सीधे क्वेश्चन छापता है, और बिल्कुल छापता है, ठीक है ना। चलो सर, इसका हो जाएगा आपको एक एक ये हो जाएगा आपको मैरी 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 मैलन, इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली जानते हो इनको टाइफाइड, किस व्यक्ति को टाइफाइड मैरी के नाम से जाना जाता है? क्योंकि एक टाइफाइड मैरी मैलन थी, नहीं होता है, नहीं होता है इनके बहुत सारे, अब ये क्या थी, एक तरीका का ये, अरे बता दे, पेशे से रसोईया थी, क्या थी, पेशे से रसोईया, समझते हो, समझ, रसोईया रसोईया थी, और नहीं होता है मतलब टाइफाइड की, क्योंकि इनके भोजन से, इनके बनाए भोजन से बहुत लोग नहीं होता है, संक्रमण हो गया, इसी कारण से मैरी मेलन होगा, ठीक है ना। चलो बढ़े नेहा, चलो चलो मनीषा, चलो रानी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सवाल बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल लाइक करो, क्योंकि सवाल देख रहे हो सब काफी तगड़ा आप लोगों के लिए बना कर लाते हैं। चलो आगे देख लेते हैं, आगे आप, आपसे आगे पूछ रहा है यहाँ पे, इंटेस्टाइनल आपका परफोरेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ विच डिजीज, आई मीन अगर इसका हिंदी मीनिंग और बात करने की कोशिश करें तो हो जाएगा कि आंत में छेद होना किस रोग का लक्षण है? इसका समझ रहा है, समझ, आंत में, आंत में इसका पहला क्या होता है, आंत में, इसका हिंदी मीनिंग कर ले तो आंत में छेद होना, छेद होना आपका इंटेस्टाइन में क्या होता है, इंटेस्टाइन में कह रहा है कि आंत में छेद होना क्या कहलाता है, कौन सा बीमारी होगा? ट्यूबरकुलोसिस होता है, कि टेटनस होता है, कि आपका टाइफाइड होता है, कि कॉलेरा होता है, बताओ सर, बताओ नीरज, एक बार नीरज बताना जल्दी, नीरज नीरज बताना, चलो आंत में छेद होना क्या कहलाता है, कॉलेरा बता रही है, कॉलेरा 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 टाइफाइड टेटनस ट्यूबरकुलोसिस, जहाँ सारे बच्चे एक बार बताएंगे आंत में छेद होना क्या कहलाता है, आंत में छेद होना, अधिकांश मोर देन बच्चों का सी आंसर है, मोर देन बच्चों का सी आंसर है, अंजलि का सी हो रहा है, अंजलि का सी हो रहा है, नेहा का सी हो रहा है, नीरज का सी हो रहा है, सृष्टि का सी हो रहा है, आगे अंजलि का सी हो रहा है, अंजलि गौतम का सी हो रहा है, अंशु यादव का सी हो रहा है, मोहित का सी हो रहा है, अलका का सी, अलका का सी, राजपाल का सी, नेहा का सी, अंजलि का सी, विपिन का सी, विपिन थोड़ा लेट से आया हो अभी, कि शुरू से आए थे, चलो 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 सब, खुशी खुशी का सी, बिल्कुल बिल्कुल सही है, टाइफाइड होगा सर, बिल्कुल सही होगा नीरज, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो नीरज, बिल्कुल 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 टाइफाइड हो जाएगा, मनीषा का भी सही है, रंजना का भी सही है, विपिन का भी सही है, सारे बच्चे का सही है, एक क्वेश्चन का सारा हो जाएगा, इसका टाइफाइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा। आंत में क्या होता है, आंत के म्यूकोसा में छिद्र हो जाना टाइफाइड का लक्षण होता है, आपको पता है ना, अगर व्यक्ति की से मृत्यु भी हो सकती है, आपको पता है ना, अगर आपको आपको आंत में, समझ रहे हो ना, इंटेस्टाइन अगर आपका छिद्र हो जाए, आई मीन छेद हो जाए, तो आपको पता है ना, आदमी की अगर बढ़िया से प्रॉपर इलाज नहीं करा पाए तो डेथ भी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अगर प्रॉपर इलाज नहीं, टीबी नहीं होगा साकिब, साकिब टीबी कहाँ से होगा? हाँ, तो आपका क्या हो जाएगी, आगे बढ़े, चलो
आगे बढ़े सारे बच्चे बताएंगे एक बार पलक। चलो इसमें हो जाएगा आपको टाइफाइड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंत में परफोरेशन हो जाएगा करेक्ट। इसी सिम्टम में किसका है इंटेस्टाइन परफोरेशन, ये आपका हो जाएगा आपका टाइफाइड का। बहुत मस्त क्वेश्चन लाया है, बहुत मस्त क्वेश्चन लाया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरियर ऑफ आपका, आगे जल्दी बताओ सब। बहुत आसान सवाल है, अब ये मत बोल देना सब की सब बहुत भारी सवाल है, बहुत आसान सवाल है, इससे तो आसान सवाल है ही नहीं सकता है। कि निम्नलिखित में कौन सा, विच द फॉलोइंग कैरियर प्लेग बैक्टीरिया, प्लेग बैक्टीरिया। बता बता विपिन, विपिन बताओ। बहुत आसान सवाल है, कर है आपका, यहाँ पे देख सकते हो सब, एनोफेलीज आपका ये मस्कीटो मच्छर, ये हो जाएगा कि आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, कि आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, कि आपको राइनोवार हो जाएगा, कौन सा होगा बता बता विपिन। बता बताओ, सी 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 कह रहे कि कैरियर ऑफ प्लेग बैक्टीरिया, प्लेग बैक्टीरिया का कौन सा वाहक है इसमें से, एनाफिलिज, एनाफिलिज बैक्टीरिया। कंफर्म कंफर्म, ताला लॉक किया जाए, ताला लॉक किया जाए निधि, ताला लॉक किया जाए, ताला लॉक किया जाए, ताला लॉक किया जाए, ताला लॉक किया जाए कंप्यूटर महाशय का। इसमें से हमको लगता है कि सारे में से एक हमको निधि का सही दिख रहा है, सही निधि का, निधि का नहीं सारे बच्चे का, निधि का सही दिख रहा है, निधि बिल्कुल सही। अंजलि गौतम बिल्कुल गलत बात है आपका, गलत हो जा रहा है आपका। चलो अंजलि अंजलि अंजलि, इसका क्या हो जाएगा बाबू, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि आपका प्लेग जो होता है ना, चूहे से चूहे के होता है ना, ठीक है, के माध्यम से ये रोग जनक ये होता नहीं, जब संक्रमित चूहे मर जाते हैं ना तो क्या हो जाता है बताओ सब। प्लेग किससे फैलता है एक बार बताना सब, प्लेग किससे फैलता है, और यहाँ तक वो मनुष्य को भी काट लेना तो उसके अंदर भी इंजेक्ट हो जाएगा, पता है ना। प्लेग किसके, प्लेग किससे फैलता है, प्लेग किससे फैलता है बताओ सब। ताला बंद किया जाए, बिल्कुल ताला बंद कर लिया जाए। चलो चलो आगे बढ़े सृष्टि, प्लेग किसे फैलता है बताओ सब, प्लेग किसे फैलता है, उसका मेन ओरिजिन कहाँ से होता है प्लेग का। सृष्टि प्लेग तो रैट से रैट होता है ना सर, तनु लिखी है माउस, अभी कंप्यूटर वाला माउस मत लिख देना सब, कंप्यूटर वाला, कंप्यूटर वाला माउस मत लिख लेना सब, कंप्यूटर वाला कि सर कंप्यूटर वाला माउस से फैलता है। आगे बढ़े सृष्टि, चलो 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 आगे देखो, फिर आगे क्वेश्चन दे दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ प्लेग, इनमें से कौन सा प्लेग का टाइप नहीं है, इनमें से कौन सा प्लेग का टाइप नहीं है। नीरज नीरज बताओ, चलो चलो किससे, किससे होता है एक बार बताएंगे, एक बार सारे बच्चे बताएंगे, एक बार सारे बच्चे बताएंगे। चलो 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 एक बार सारे बच्चे बताएंगे। इसमें फॉलोइंग अप प्लेग, इसमें से कौन सा टाइप नहीं है प्लेग का, ऑप्शन पढ़ो, अगर नहीं पढ़ने आ रहा है तो बोलो, हम पढ़ के बता देते हैं, और वो भी दिक्कत है तो बोलो हिंदी मीनिंग भी बता देते हैं। इनमें से कौन सा प्लेग का प्रकार नहीं है आपका, ब्यूबोनिक, ब्यूबोनिक प्लेग, या आपका सेप्टी वाला हो जाएगा, या आपका न्यूमोनिक प्लेग, या आपका टाइफी प्लेग, इनमें से चारों में से कौन सा होगा बताओ प्रज्ञा, संगमित्रा बताओ 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 संगमित्रा, सिद्धार्थ ऑल इन मोटिवेशन है, चलो 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 ठीक है अलका, चलो सर एक बार सारे बच्चे बताएंगे। चलो प्लेग 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 कौन सा हो जाएगा इसमें से, इसका क्या हो जाएगा, बहुत आसान है। प्लेग कितने प्रकार का होता है, प्लेग मूलतः कितने प्रकार का होता है, प्लेग मूलतः कितने, प्लेग कितने टाइप का होता है, हाउ मेनी टाइप,
हाउ मेनी टाइप प्ले, बता प्ले कितने टाइप का होता है, प्ले कितने टाइप का होता है, एक बार सारे बच्चे बताएंगे, प्ले कितने टाइप का होता है, एक बार सारे बच्चे बताएंगे, प्ले कितने टाइप का होता है, एक बार सारे बच्चे बताएंगे, एक बार सारे बच्चे बताएंगे प्ले कितने टाइप का होता है, प्ले एक बार सारे बच्चे बताएंगे प्ले कितने टाइप का होता है, प्ले एक बार सारे बच्चे बताएंगे, एक बार सारे बच्चे बताएंगे प्ले कितने टाइप का होता है, 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप, 4 टाइप, 5 टाइप, कितने टाइप का होता है, एक बार सारे बच्चे बताएंगे प्ले कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। सही है, सही। निधि कितना टाइप का होता है बाबू? निधि कोई भी नहीं बता रहा है, 3 टाइप। लॉक करो सर। ए, लॉक होता है बाबू, लॉक लॉक करो। चलो रानी, 3 टाइप का होता है, टाइप ही प्लेग, 3 3 3। बिल्कुल बिल्कुल श्रेष्ठ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो तो इसका ऑफिशियली बात है कि ये भी आपका ये भी आपका उससे रिलेटेड है, इससे आपका ये भी आपका रिलेटेड है, इसमें से आप लोग देखे होगे ना, तो यही आपका ये जो है ना आपका टाइप ही प्लेग, यही आपका प्लेग का टाइप नहीं है, सही है ना? नॉर्मल बात है, कॉमन सेंस वाला बात है, कॉमन सेंस का बात है, कॉमन सेंस का बात है। ठीक है संगमित्रा, चलो आगे बढ़े संगमित्रा। चलो आगे बढ़ते हैं सर, आई डोंट। चलो आगे देखो, बहुत आसान सवाल है, बहुत बच्चा वाला सवाल है, जल्दी बता सब। विच इज द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसीजी, बताओ। ये भी सवाल है संगमित्रा, ये भी सवाल है, बताओ बताओ, ये भी सवाल है, जल्दी बताओ सब, ये भी बताओ सब, ये भी सवाल है कोई। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसीजी, बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत दिव्य है, लेकिन देख बजान लो सब, भले सवाल छोटा है लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है, सवाल बहुत छोटा है, सवाल बहुत छोटा है लेकिन आपका मस्त क्वेश्चन है, सवालों होता है ना 5 लाख का क्वेश्चन होता है, बताओ सब। बताओ बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होगा, बैक्टीरिया कोल्ड या बैक्टीरिया कोडेड या बीसीजी बैसिलस कमेट, आपका यहाँ पे आपका कलमे, आपका ग्वेरिन या आपका बैक्टीरिया कोडेड ग्वेरिन, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसमें का, एक बार सारे बच्चे बताएंगे, अभी तक बताओ, अभी तक बताओ, बहुत बच्चे कंजूस है, कुछ तो बच्चे लाइक किए हैं, कुछ बच्चे बस ऐसा ही काम चला रहे हैं किसी तरह, बताओ सब। इतना इतना क्वेश्चन बताओ, इतना मस्त क्वेश्चन देख रहे हो ना आप लोग के लिए बना कर, बैसिलस ग्वेरिन, बिल्कुल सही बात है। देखो देखो, अलका बर्थडे मना रही है खुशी से, हैप्पी बर्थडे मना रही है, देख रही है, देख रहा है सब ना। चलो 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 आगे बढ़ दो, इसका क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, सी बताओ क्या हो जाएगा इसका, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू? विपिन बताना, सी सही है। चलो आगे बढ़े खुशी, चलो बीसीजी, बीसीजी का, बीसीजी का ये तो बता दिया सब कि बीसीजी, बीसीजी यही तो बता दो सब कि बीसीजी का टीका किसके लिए दिया जाता है, बीसीजी का टीका एक बार और पूछेंगे हम, एक बार और पूछेंगे भाई, बताओ सब, बीसीजी का टीका, बहुत बीसीजी बीसीजी रट रहा है सब, एक बार और बता दो सब कि बीसीजी का टीका किसके लिए है, बीसीजी का वैक्सीन किसके लिए, एक बार और बता दो सब, ये तो बता दिया सर कि भाई चलो बीसीजी बीसीजी, लेकिन एक बार और बताओ बीसीजी का टीका किसके लिए है, एक बार सारे और बता देंगे बीसीजी का टीका किसके लिए, बताओ 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 विपिन, बताओ बीसीजी, एक बार बीसीजी का भी बता देना सर, टीबी टीबी, एक भी कोई टीवी लिखा, कोई भी टीवी लिखा तो वो समझ जाना सब, समझ जाना सब, कोई भी टीवी लिख दिया, हम वही चेक कर रहे हैं, हम वही चेक कर रहे हैं कि एक भी आदमी टीवी लिख दे, एक भी आदमी टीवी लिख दे, हम वही चेक कर रहे हैं कि कोई इसमें से टीवी ना लिखे, टीवी हाँ। हम एक बताओ सब, विपिन कोई भी टीवी लिख दिया, एक भी आदमी, देखो आप देख रहे हैं ना ऊपर से टीवी लिख रहा है सब, अब हाँ ट्यूबरकुलोसिस सर, बिल्कुल 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 बिल्कुल, टीवी मत लिखो सब, बेइज्जती हो जाएगा ना, बीसीजी का बेइज्जती हो जाएगा,
बीसीजी का बेइज्जती हो जाएगा, टीबी थोड़े होता है। वो जो बीसीजी का जो टीका खोज किया होगा वो भी कोमा में चल जाएगा। चलो सर। टीबी हमें वही चेक कर रहे थे बीसीजी। चलो अच्छा बीसीजी एक बात बताओ सर, बीसीजी किसको दिया जाता है बताना सर, बच्चा को दिया जाता है कि जवान आदमी को दिया जाता है, या आई मीन यंग को दिया जाता है कि बूढ़ा आदमी को दिया जाता है बताओ सर, बूढ़ा आदमी किसको दिया जाता है? एक बार सारे बच्चे बताएंगे, थोड़ा चेक कर रहे हैं हम। बीसीजी किसको टीका दिया जाएगा, बच्चा को दिया जाएगा कि जवान आदमी को दिया जाएगा कि बूढ़ा आदमी को दिया जाएगा बताओ, बता विपिन। बता बताओ अलका, बताओ सब किसको दिया जाता है, सबको दिया जाता है, हिमांशी लिख रही सब। ये बताओ ये बूढ़ा आदमी को बीसीजी का वैक्सीन देगा सब, बताओ तो हिमांशी, हिमांशी सबको का मतलब हो गया बाबू, अब बूढ़ो आदमी को वैक्सीन दिया जाएगा बीसीजी का, तब तो धरती पलट जाएगा सब। बताओ ये तो जब बूढ़ा आदमी को बीसीजी का टीका होने लगे सबको दिया जाएगा, बीसीजी बोला ऐसा सबको दिया जाएगा, सबको कहाँ से दिया जाएगा भाई, सबको कहाँ से दिया जाएगा ये तो, और जो बोल रहे हैं सबको, ये तो बहुत खतरनाक नर्स बनेगा सब, लेकिन ये तो देना होगा बच्चा का वैक्सीन, दे देगा सब, कोई भी आ गया उनके उनके दादाजी आ गए उनको भी एक वैक्सीन दे देगा सब अनजाने में, अरे अरे आपको भी दाई दे देते हैं। ये देना होगा बच्चा के, उनके दादोजी के दे देगा सब, आइए आइए आप पे भी सूट कर जाएगा। चलो चलो बताओ सब। चलो ये सब जो जो बोल रहा है कि बेबी के अलावा कि सर बूढ़े आदमी को भी दे दिया जाएगा या आपको जवान आदमी को दिया जाएगा, वो सब बहुत खतरनाक नर्स बनेगा सर, लेकिन भविष्य में हम तो ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे भाई ऐसे लोग, नर्स लोग से कौन ठीक है, देना होगा आपका कुछ का वैक्सीन दे देगा सब, कुछ का वैक्सीन। चलो आगे बढ़े सरदार, चलो आगे। एक्चुअली जानता है सब, एक बिहार में घटना हुआ है, बिहार में बिहारी की घटना है कि क्या पता कहीं की घटना है, तो उसमें क्या हुआ है कि एक कोई नर्स थी, नर्स होता है समझ रहे, नर्स कोई थी, अब वो आपको पता है फोन से बात करने के चक्कर में देना चाहिए उनको देना चाहिए कोविड-19 का वैक्सीन, कोई गई थी नहीं होता है कोविड-19 का वैक्सीन, आओ बताओ क्या की आपका रेबीज का वैक्सीन दे दिया, बताओ देना चाहिए कोविड-19 का वैक्सीन, आप फोन से बात करने के चक्कर में बताओ कुत्ता वाला वैक्सीन दे दिया है, बताओ कैसा आपका नर्स है बताओ, ऐसा ऐसा लोग हैं लोग, इसीलिए इसमें इसमें केयरफुली बहुत चाहिए मेंटेनेंस में, नहीं तो सीएमओ और सीएचओ सब हटाइए देंगे। चलो आगे देखो सब, लेप्रोसी डिजीज वाज डिस्कवर बाय। लेप्रोसी 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 की बताओ से एक बार, लेप्रोसी लेप्रोसी का क्या क्या होगा, लेप्रोसी का डिजीज का डिस्कवर किसने किया था, सारे बच्चे बताएंगे। लेप्रोसी लेप्रोसी का क्या होगा बाबू, लेप्रोसी का चलो लेप्रोसी का क्या हो जाएगा बाबू, लेप्रोसी का हैंसन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला आंसर करेक्ट आंसर होगा। हाँ अच्छा ये बात बताओ सब, लेप्रोसी के मतलब समझते हो सब ना, कुष्ठ रोग बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है विपिन, कुष्ठ रोग क्या बोला जाता है इसको, कुष्ठ रोग समझता है सब कि नहीं समझता है सब, कुष्ठ रोग, कोई भी बैड कमेंट कोई भी कोई मत करे, नहीं तो आपको बताया ना फिर हम ग्रुप से रिमूव कर देते हैं, भले पांचे को बच्चा पढ़े वो अलग मैटर है, कोई भी अनर्गल कोई कमेंट नहीं, चलो क्योंकि सब पढ़ने आते हैं। चलो 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 आगे देखो सब, आगे देखो सब, इसका क्या हो जाएगा बाबू, ना ना पलक बोलिए सर मैं आपका ट्रीटमेंट करूंगी, ना 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 पहले 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 जो बोल रही है बच्चे की, सर हम आपका ट्रीटमेंट करेंगे, पहले बीएससी नर्सिंग 4 साल का करो सब, उसके बाद से नहीं होता है, एक सर्टिफाइड नर्स आईएनसी से इंडियन नर्सिंग काउंसिल से पहले रजिस्ट्रेशन कराओ, तब ट्रीटमेंट करना सब, तब ट्रीटमेंट करो सब,
अब ऐसा नहीं है कि झोला छाप की तरह गड़बड़ हो जाएगा ना, देना होगा इंजेक्शन COVID-19 का, आधे देगा सब आपका रेबीज का, तो बताओ गड़बड़ हो जाएगा ना एक तरीके से। अभी आप लोग पूरा पक्का कहाँ हुए हैं? अभी 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 पूरा पक्का कहाँ हुए? अभी पहले एंट्रेंस एग्जाम दो, 4 साल का पढ़ो, क्लिनिकली करो, तब ना होगा कि अभी से वैक्सीन ना देना शुरू कर देगा सब अभी से। चलो चलो आगे बढ़े। चलो आगे बढ़े अलका। चलो मनीषा बढ़े आगे। तो लेप्रोसी आई मीन कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग का किसने किया था, कुष्ठ रोग का किसने किया था बाबू? कुष्ठ रोग का हो जाएगा हैंसन, ठीक है ना, पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमको ये बात बताना सब, ये तो सही है लेकिन टाइफाइड, टाइफाइड की खोज किसने किया था, टाइफाइड का खोज किसने किया था, टाइफाइड, टाइफाइड, टाइफाइड का खोज किसने किया था बाबू, टाइफाइड का? टाइफाइड, टाइफाइड, टाइफाइड का किसने? तनु बोलिए सर हम आपसे गुस्सा है, हम भी। अब गुस्सा का चीज है बाबू, बाबू बताओ था इसमें गुस्सा वाला का काम धाम है? सर्टिफाइड नर्स बनो सब ना, INCC इंडियन नर्सिंग काउंसिल से वेरीफाइड, रजिस्ट्रेशन करा के आओ सब, तब देना सर। चलो 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 ऐसे गड़बड़ हो जाएगा ना, ऐसे गड़बड़ हो जाएगा, कहीं इधर उधर एको को वैक्सीन दिया सब, कहीं हार्ट अटैक कर गया कि भाई इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तब तो आदमी पहले ही मर जाएगा डर से। चलो सृष्टि इसका क्या हो जाएगा, टाइफाइड, टाइफाइड का भी, टाइफाइड का खोज किसने किया था, टाइफाइड का, टाइफाइड का खोज किसने किया था, टाइफाइड का खोज किसने किया था, टाइफाइड का, पलक पलक पलक, टाइफाइड का खोज किसने किया था, टाइफाइड का, कार्ल्स बताओ सब, टाइफाइड का खोज किसने किया था? निशांत, निशांत, निशांत बताना, निशांत पलक बताओ, पलक टाइफाइड का खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने किए थे, बहुत बहुत खतरनाक बचाव, लेकिन बहुत खतरनाक बचाव हो, टाइफाइड का खोज रॉबर्ट कोच किए थे, टाइफाइड का खोज रॉबर्ट कोच किए थे, सही है। एक बार सारे बच्चे एग्री करेंगे इस बात से, क्या सहमत है? चलिए ये बात सही है, बताना एक बार नीरज कि रॉबर्ट कोच ने टाइफाइड का खोज किया था, ये बात सही लग रहा है, सटीक बैठ रहा है, मन में तसल्ली है कि नहीं तसल्ली है, बताओ बताओ नीरज, हिमांशी बताओ, जोसेफ ने किया था बताओ, ये तो यही बोल देगा सब कि आपका कैसी नाम है कि ट्रम्प साहब सर मंगल ग्रह का खोज कर दिए हैं, बताओ सब कि ट्रम्प साहब सब सर मंगल ग्रह का खोज कर दिए हैं, बताओ ये तो ऐसा हो जाएगा, खोज कर दिए हैं। चलो चलो तो आधा अधूरा नहीं पूरा कंफर्म होना चाहिए धीरे धीरे, सही है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना। देखो इसीलिए एग्जाम में भी सबसे पहले हम तो यही बोलेंगे, आप जो 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 टॉपिक है सबसे पहले NCERT उठा अपना पढ़ना शुरू कर दो। चलो चलो बिपिन गलत बता रहा है। सुप्रशांत कोई दिक कथी लिखे हो, हम नाम आपका बढ़िया से नहीं पढ़े हैं। चलो चलो अब चूंकि इतना कमेंट है गड़बड़ हो जाता है, चलो आगे हो गए। तो रॉबर्ट कोच ने क्या चीज का खोज किया था, एक बार सारे बच्चे बताएंगे, एक बार रॉबर्ट कोच ने क्या चीज का खोज किया था, रॉबर्ट को जिस प्रकार होता है ना, जिस प्रकार बताओ सब, जिस प्रकार बताओ सब, बताओ सब, बताओ सब, रॉबर्ट कोच ने क्या चीज का खोज किया, एक बार सारे बच्चे बताएंगे, रॉबर्ट कोच का क्या आंसर होगा, रॉबर्ट कोच ने टीवी का, देखो देखो अभी भी निधि टीवी लिख रही है, ए बाबू रॉबर्ट कोच टीवी टेलीविजन का खोज का है ना, खोज किसने कर दिया, उनका साथ जेल बेयर्ड थे ना शायद, एक बार देखना पड़ेगा, टीवी का खोज तो जेल बेयर्ड किए हैं शायद, टीवी का खोज नहीं ना करेंगे, टीवी का खोज किए थे, टीवी का, इनको फिजिक्स में मत इंट्री करवाओ सर, फिजिक्स में इनको फिजिक्स में मत इंटर करवाओ सर, टाइफाइड बता रही है, तपेदिक, तपेदिक, तपेदिक क्या होता है, तपेदिक, तपेदिक क्या होता है, तपेदिक कोशिका की सेट सेल की, टीबी की, चलो हाँ टीबी, टाइफाइड कहाँ लिख रहा है तनु शर्मा सर, नहीं बिल्कुल गलत है, कल जोसेफ ने किया था, अब कहाँ पता क्या किया था नहीं किया था, एक बार देखना होगा, चलो हटाओ, इसमें से कोई दिक्कत है, कंफ्यूजन है क्या किसी को, एक बार बोल रहा है कि सर ये गलत है, क्या चीज आप लोग गलत लग रही है, बताओ सब,
रॉबर्ट हुक ने ना किया था सील का, कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था ना, ऐसे ही है ना, रॉबर्ट हुक ने किया था ना। अभी बोल रहे हैं सर कोशिका का खोज, इसमें कोशिका कहाँ से आ गया बुआ, इसमें कोशिका अब ब्राउन ने न्यूक्लियस का किया था शायद, देखना पड़ेगा एक बार। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया वाला मत एंट्री करवाओ सर, ये ह्यूमन हेल्थ डिजीज चैप्टर रही। आगे बताओ आगे बताओ आगे बताओ। इसमें सेल साइकिल सेल डिवीजन एको को मत सवाल डालो सर, एक भी मत। सेल साइकिल सेल डिवीजन सब क्या है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडी वाला लाइसोसोम वाला बाद का बात है, पहले ह्यूमन हेल्थ डिजीज देखो पहले। चुपचाप देखो यहाँ पे शाम में 7 बजे चलो कह रहे कि विच मेडी आपका कि कॉमनली बेन ऑफ ट्रीट लेप्रोसी, लेप्रोसी में किस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है, लेप्रोसी में, लेप्रोसी में बताओ ज्योति, इसमें बताओ सब कुष्ठ रोग के इलाज के लिए इसमें से किसका उपयोग किया जाएगा, कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग का इलाज के लिए, कुष्ठ रोग का इलाज के लिए। हाँ तो रॉबर्ट कोच हम तो सही तो बताए हैं कि रॉबर्ट कोच भाई टीवी का किए थे, वही ना बता रहे थे। चलो चलो एक बार बता ना पलक, बताओ बताओ। कह रहा है कि आपका लेप्रोसी आई मीन कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग में इनमें से किसका किसका उपयोग सामान्य ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, कुष्ठ रोग आपको पता है ना, कुष्ठ रोग बहुत ही घातक और बहुत ही खतरनाक होता है, भगवान करे किसी को ना हो, बहुत खतरनाक है बहुत। चलो व्हाइट व्हाइट नहीं हो जाता, चलो सर एक बार सारे बच्चे बताएंगे। कर रहा है इसमें से कि आपका आपका लेप्रोसी में इसमें से किस, लेप्रोसी आई मीन कुष्ठ रोग में इसमें से किस दवा को दिया जाता है। सर मैंने 2015 में 12 किया था, क्या बीएससी नेट से भर सकता है, डेट ऑफ बर्थ बता बाबू, डेट ऑफ बर्थ बताओ तब हम बता देंगे, 2012 में किए हो अलग मैटर है कि 2015 में किए, एक बार डेट ऑफ बर्थ बता दो कि सर मेरा डेट ऑफ बर्थ इतना हो रहा है उसके हिसाब से बता देंगे, क्योंकि उसमें एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगा देता है ना गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एज लगा देती है। बताओ एक बार डेट बताओ, एक बार डेट बताओ, एक बार डेट बताओ, मैं बता देता हूँ डेट बताओ, एक बार डेट बताओ, डेट डेट। चल इसका हो जाएगा डीडीएस, डीडीएस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डाइबिनो डाइफिनिलिन सल्फोन इसका इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, 2015 में किया था तो भाई डेटवा बताएगा तभी ना बताएंगे बाबू, डेट बताओ कि हाँ सर अभी 15 साल के हो रहे हैं, चाहे अभी मेरा सर एज अभी मतलब मान लो कि 18 है, या मेरा अभी एज अभी 68 हो गया है बताएगा तब ना, कम से कम चाहे मेरा एज अभी मान लो कि सर 72 हो रहा है, बताओ बताओ ऐसा करके बताओ, एक एज बताओ नीरज, सॉरी नीरज बोला उस लड़का से बोला जो कमेंट कर रहे हैं। हाँ इसका क्या हो जाएगा बाबू, आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़े चलो प्रियंका सुनो, चलो बीबी चलो। अच्छा एक बात बताओ सर, ये तो सही है लेकिन इबू प्रोफेन वही इसका क्या चीज में उपयोग होता है, बताओ सब इसका क्या होता है, इबू प्रोफेन का, इबू प्रोफेन का क्या होता है बताओ सब, बताओ सब। 1995 डेट ऑफ बर्थ बता रहा है, 1995 लिख किसका है भाई, वो लड़का तो अभी कमेंट नहीं किया, वो 1995 सर, 8/8/1918/10/1999 डेट ऑफ बर्थ है ना, 1999 आराम से भर सकते हो। देखो मेन बात है ना कि मिनिमम कम से कम बीएससी नर्सिंग के लिए कम से कम 17 साल चाहिए, ठीक है 17 साल चाहिए कम से कम, और एज कहीं कहीं आपको 30 भी ले लेता है, कहीं कहीं आपको 35 भी ले लेता है, लेकिन उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आप किस स्टेट का तैयारी करना चाहते हो, आपको देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि इस बार नहीं होता किस स्टेट के बारे में करना चाहते हो, ठीक है ना, किस स्टेट का करना चाहते हो, हाँ यूपी का कि कहाँ का कि कहाँ का एक बार, हाँ ठीक है सृष्टि बता रहे हैं सर, देखिए तो 1999 का मिस 24 साल का है, 24 24 साल का हुआ अभी, हाँ ठीक तो है बाबू, 24 साल कौन भारी बात हुआ। चलो सर हाँ पेन किलर ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं, हम लास्ट में टेलीग्राम का नंबर देंगे, टेलीग्राम पे आओ वहाँ पे पर्सनली हमसे पूछ लो, हम आपको प्रूफ दिखा देंगे कितना एज तक होता है, क्या क्या होता है, कब भर सकता है, कौन था, हम आपको बता देंगे। आगे बढ़ते हैं सृष्टि चलो चलो, फिर कह रहा है कि फूड प्वाइजनिंग इज कॉमनली कॉज द विच आपका स्पीसीज ऑफ कोलिस्टेडियम, फूड प्वाइजनिंग इनमें से किसके कारण से फूड प्वाइजनिंग के बारे में बता रहा है, बताओ सब, फूड प्वाइजनिंग आमतौर पर कोलिस्टेडियम की किस स्पीसीज के कारण होता है,
2006 है ना, कम से बोल रहे मिनिमम कम से कम 17 साल, काउंट करके देख लीजिए, अगर कम से कम काउंट करके देख लीजिए कि कम से कम 17 साल की हो रही हो तो आराम से भर सकती है फॉर्म। ये काने दर्द में पेन किलर दिया जाता है। ऐसा ऐसा है विपिन का कमेंट, पूछा सा मत। चलो यहाँ पे बताऊं आपको, कह रहा है कि फूड प्वाइजनिंग खाद में अगर विषाक्तता हो जाए आमतौर पर कोलेस्ट्रियम की किस प्रजाति कारण से होता है। ये काने दर्द में पेन किलर दिख रहा है, ऐसा है सब। बता बता बताओ एक बार। एक बताओ बता बता बताओ, सारे बच्चे बताएंगे। चलो 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 चलो। चलो इसका क्या हो जाएगा बाबू, इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। देख रहे हैं किन बच्चों ने ऑप्शन डी मारा, एक बार मिला के देख ले एक बार। हम लास्ट में टेलीग्राम का नंबर देंगे अपना, आना पूछ लेना, हम विद प्रूफ दिखा देंगे कितना एज तक वाला होता है नहीं होता है, हम एक बार आपको दिखा देंगे, समझ रहे हो। लास्ट में टेलीग्राम का बताएंगे, नाम बताएंगे या लिंक कर देंगे कमेंट में, देख लेना अपना आना, एक एक जहाँ का हो अपना हम आपको बता देंगे कि भाई हर साल इतना फॉर्म आता है, इतना एज है, उसके हिसाब से देखना अपना भरना। चलो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। बच्चा सब बोल रहा है सर भूख लगे, भूख लगे तो कल सरस्वती पूजा है ना, सरस्वती पूजा में कल इतना ना प्रसादी खाएगा सब, हमको लगता है कि 10 जगह सरस्वती पूजा में जाओगे सब 10 जगह 10 जगह मीठे मिलेगा, बस उसी से आप लोग का पेट भर जाएगा। जो बच्चा कह रहे सर भूख लगा हुआ है, कल खाना सब एक ही प्रसादी, अब रात को खाना वाना मत खाना सब। चलो चलो आगे देखो, यहाँ पे आगे देखो, चलो चलो आगे देख लेते हैं। कह रहे कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ऑफ द कॉज ऑफ बैक्टीरिया, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है, बता बताओ बता बताओ। बताओ सब, रात को कोई इसमें से खाना नहीं खाएगा कल, लेकिन सरस्वती पूजा है, जब सरस्वती जी का होता है ना फेस उनका खुल जाता है, उसके बाद से बढ़ता है, एक जगह ले लिए, फिर थोड़ा दूसरा जगह लगा, थोड़ा दूसरा जगह ले लिए, फिर तीसरा जगह ले लिए, बस ये बात आपको पता है। जहां भी जाएगा सब ना मिलेगा, आपको पता है कि नहीं पता है बात, जहां भी जाओ सब कोई खाली हाथ थोड़े देगा कि नहीं नहीं तो बस ये वो झोला भर लेना झोला। चलो चलो सब आगे देखो, यहाँ पे आगे देखो, यहाँ पे बता मनीषा इसका क्या हो जाएगा, मनीषा बताओ बताओ क्या हो जाएगा, इसमें से कौन सा बैक्टीरिया कौन सा है बताओ सब, इसमें से सॉरी हम आपको ऊपर करते हैं, बैक्टीरिया से रिलेटेड है ना, एक बार इसमें से देखो, एक बार इसमें से देखो और इसमें से बताओ इसमें से कितने बैक्टीरिया से हो सकते हैं। आप एक बार कॉपी में आप लोग निकालिए और एक बार अपना से आप लोग डिनोट कीजिए, नहीं होता है कि इसमें से कौन कौन सा बैक्टीरिया से रिलेटेड, अकाउंट करके बताओ सब कि बैक्टीरिया से रिलेटेड इसमें से कितना निकल रहा है, एक निकल रहा है कि दो निकल रहा है कि तीन निकल रहा है कि चार निकल रहा है कि पांच निकल रहा है कि छह निकल रहा है, बताओ सब बताना बताना मनीषा, एक बार आप लोग बताइएगा, काउंट करके बताइए इसमें से कितना बैक्टीरिया से रिलेटेड है, इसमें से कितना बीमारी। बताओ सृष्टि इसमें से कितना बीमारी, इसमें से कितना है आपका जो बैक्टीरिया से रिलेटेड है बाबू, ऑप्शन का है, ऑप्शन यही है, 5 है 6 है 7 है 8 है, हटाओ नीचा नहीं करेंगे कट जाएगा, चलो नीचा कट जाएगा, चलो 5 है 6 है हम यहाँ पे लिख देते हैं, ऑप्शन ऑप्शन सी में 7 है और आपका ऑप्शन डी में 8 है, बताओ सब आपका कौन सा हो जाएगा, हैजा होगा कि एड्स है कि आपका निमोनिया हो जाएगा कि हो जाएगा कि आपका कफ होगा, टाइफाइड होगा, गोनेरिया होगा कि इन्फ्लुएंजा होगा कि आपका प्लेग होगा कि डिप्थीरिया होगा, इसमें से कितना बीमारी बैक्टीरिया से रिलेटेड बताओ सर। बी होगा बता रहा है सर, बता बता बता
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन बी, 6 हो जाएगा इसमें से। कौन कौन सा बैक्टीरिया से रिलेटेड बताना सर, कौन कौन सा बैक्टीरिया से रिलेटेड है, कौन कौन सा बैक्टीरिया से रिलेटेड है? सॉरी बी हम बता दिए यहाँ पे, हम भी है ना, अभी कभी कभी इसका नीचे ऑप्शन देखिए, इसमें का सात होगा, हम आपको काउंट करके बता रहे हैं इसमें से सात कौन कौन सा होगा। रुक जाए एक मिनट, हम आपको ऑप्शन बता रहे हैं, हम आपको ऑप्शन बता रहे हैं, हम आपको ऑप्शन दिखा रहे हैं। तो ऑप्शन क्या है वही बताया ना, 5, 5, 6 और 7, 8 देख लो सब, अब एक बार मिला लो, जब हम उसके बाद हम तब उसके बाद हम क्वेश्चन पे ले चलेंगे। 5 हो गया, 6 हो गया, सही है ना, 5, 6 फिर 7 और 8, देख लिया सामने इसमें से कितना बीमारी है बैक्टीरिया रिलेटेड। अब चलो क्वेश्चन ऊपर से देखो सर, अब इसमें से देखो सात है सर, अब देखो इसमें से एड्स क्या चीज के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण से होता है कि वायरस के कारण से होता है, बताओ सर एड्स किसके कारण से होता है, बताओ सर, बताओ सर विपिन, बताओ बताओ विपिन, विपिन बताना एक बार, विपिन विपिन हल्के बताओ बताओ बता मनीषा, ऑप्शन दिखा रहे हैं ना आपको, आपको आपको ऑप्शन यहाँ पे बोल भी दिए हैं बाबू कि या तो 5 ऑप्शन लो या 6 ऑप्शन लो या सी में 7वां है और डी में 8वां है। अब तो नहीं बताएंगे यार, अब तो नहीं बताएंगे, अब बार बार ऑप्शन ऑप्शन कहाँ से, अब इसमें देखो ना, ज्योति कोहली वायरस है, एड्स क्या है, वायरस है कि कशी है। चलो आगे देख लेते हैं, निमोनिया हो गए आपका, बहुत सारे हो गए, प्लेग हो गए बहुत सारे हो गए, डिप्थीरिया हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, चलो आगे बढ़ लेते हैं। इसमें से आपका कौन कौन सा हो जाएगा, इसमें का इसका करेक्ट आंसर आपको 6 हो जाएगा, सॉरी 6 बोलना 7 हो जाएगा, इसमें से 7 है ना वो आपका बैक्टीरिया कारण से 7। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो कर है यहाँ पे क्वेश्चन, आगे पढ़ो सब, व्हाट इज द फर्स्ट साइट ऑफ द सिम्टम ऑफ द टेटनस, टेटनस के इसमें से क्या लक्षण है, इसमें से टेटनस का क्या लक्षण है, एक बार सारे बच्चे इस सेशन को लाइक जरूर कर देंगे सारे बच्चे एक बार, जो जो नए बच्चे होंगे इसमें से बताओ सर, इसमें से क्या हो जाएगा बताओ बाबू, कर इनमें से कौन सा टेटनस का पहला लक्षण है, टेटनस का पहला लक्षण कौन सा है, स्टिफनेस ऑफ नेक, गर्दन जो क्या होती है, गर्दन जो क्या होती है, गर्दन में कठोरता आ जाती है, या आपका गर्दन में हमारी सूजन हो जाती है, या पैरालिसिस मार देता है, ये नंबर ऑफ फिंगर उंगली में आपका नंबनेस आई मीन सुन्नता हो जाती है, उंगली हमारा सुन्न हो जाता है, सुन्न सुन्न हो जाता है, बताओ सब बताओ सब, इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से टेटनस का पहला लक्षण कौन सा, टेटनस का इसमें से टेटनस का पहला ऑप्शन कौन सा है, आई नो एज ए लॉ, चलो ज्योति कोहली भी बता रही है, चलो बीबी इसमें से क्या हो जाएगा बताओ सब, इसमें से किसके कारण से पता चलता है कि आपकी सुन हो गए, सुन थोड़े होगा सुन होगा, इसमें से क्या हो जाएगा, टेटनस का पहला लक्षण क्या है, टेटनस का पहला हो जाए स्टिफनेस ऑफ नेक, गर्दन में कठोरता आ जाती है, गर्दन में क्या हो जाती है बाबू, इसका सुन नहीं होगा सुन, इसका बताओ सब, आपका इसका पहला आंसर हो जाएगा स्टिफनेस ऑफ सुन, यानी गर्दन में कठोरता आ जाती है, ठीक है ना, आगे बढ़े, चलो तनु आगे बढ़ते हैं, बताओ व्हाट इज द फुल फॉर्म एटीएस इंजेक्शन, एटीएस का फुल फॉर्म क्या होता है बाबू, एंटी ट्यूबरकुलोसिस आर्टिफिशियल टाइफाइड सीरम, आपका एंटी टेटनस सीरम और आपका अल्फा टाइफाइड सीरम, कौन सा होगा, चलो 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 सब बताओ 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 अलका सौरभ, बताओ नीरज, नीरज नीरज सुन पा रहे हो, बताओ बताओ क्या होगा, व्हाट इज द एटीएस इंजेक्शन, एटीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, एटीएस इंजेक्शन का एटीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, अभी होता है ना वो वाला एंटी टेरर वाला एटीएस, समझते हो ना एटीएस, आतंकवादी निरोधी निरोधी वाला एटीएस, वो मत समझ लेना सबके सर, ये तो पाकिस्तान में उड़ाया गई,
क्या हो जाएगा? एटीएस, एटीएस बताना संगमित्रा। एटीएस, एटीएस, एटीएस का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछ रहा है प्रकाश। एंटी टेटनस, एंटी टेटनस दिमाग लगाता है सब, लेकिन ये सबको पता है, सब आप लोगों को पता है कि भाई टेटनस का टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो टेटनस मारेगा सब। देखो कॉमन सेंस इसको बोला जाता है, कॉमन सेंस इसको बोला जाता है, कॉमन सेंस। रूबी बता रही है एंटी टेटनस सीरम, बिल्कुल बिल्कुल सही। ऐसे ही दिमाग लगा के एग्जाम में मार देना सब। चलो आगे बढ़े संगमित्रा, चलो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। आगे बढ़े, चलो बस ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, अब हल्का और मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज द स्पीसीज ऑफ माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया। माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया की स्पीसीज के कारण कौन सा होता है, कौन सा डिजीज होता है? टाइफाइड है, टेटनस होता है, लेप्रोसी एंड ट्यूबरकुलोसिस होता है, गनेरिया ऑफ सिफिलिस होता है, या इंक्लूजन लेप्रोसी होता है, बताओ। बताओ इनमें से कौन सा, इसमें से कौन सा, इसमें से कौन सा माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया की स्पीसीज के कारण से कौन सा डिजीज होता है? टाइफाइड एंड टेटनस, ऑप्शन ए होगा कि आपका, ऑप्शन आपका यहाँ पे आपका ऑप्शन बी होगा, लेप्रोसी एंड आपका ट्यूबरक्लोसिस होगा कि ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन ए टाइफाइड एंड टेटनस, ऑप्शन बी लेप्रोसी एंड ट्यूबरक्लोसिस, आपका ऑप्शन सी गोनोरिया सिफिलिस, और चौथा होगा आपका इन्फ्लुएंजा और आपका लेप्रोसी, बताओ सर। चलो सर बी बता रहा है सब, लेप्रोसी एंड ट्यूबरक्लोसिस की ना। चलो 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 बी होगा सर। मैं अभी देखो एग्जाम में चूंकि अभी तुक्का लगा लोगे सब गड़बड़ हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सही होगा, लेप्रोसी एंड ट्यूबरक्लोसिस इसका करेक्ट आंसर होगा, बी ए सही उत्तर होगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े प्रियंका, चलो चलो आगे। ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, देखो इजी क्वेश्चन रखे आप लोग के लिए। विच वायरस कॉजेज ए स्मॉल पॉक्स डिजीज। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बताओ प्रियंका। प्रियंका बहुत आसान क्वेश्चन रखे, बताओ बताओ प्रियंका। स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स विच वायरस, किस वायरस के कारण से स्मॉल पॉक्स होता है, बताओ सब। अच्छा क्वेश्चन है, और नहीं होता है अगर आप मेरा अगर वीडियो देखते होंगे तो हम उसको जो छोटा मोटा सवाल होता है ना उसे हम बोलते हैं बच्चा वाला सवाल है। बीएससी नर्सिंग के लिए नीट कहाँ से रिक्वायर्ड है? नीट से पास करेगा सब, आप ही तो ऐसा बोलते हो कि नीट का होगा, इसके लिए सीईटी लेता है ना, हर साल एग्जाम लेता है। अभी सीईटी बाबू लेगा, अभी सीईटी जानते हो सब, अभी सीईटी अभी क्या है, सीईटी बदलने वाला है, अभी चलेगा सीईटी आपका, जो भी चले एम्स में भी चले, इसका एम्स का भी होगा, या आपका सीईटी अटल बिहारी एबीवीपी प्लस केजी में होगा, अभी आपका ये अभी नहीं बदलने वाला है। हाँ लेकिन इसीलिए बोल रहे हैं कि अभी सीईटी एग्जाम देकर पास कर जाओ सब बढ़िया से, नहीं तो आपका 4-5 साल में लगा देगा, 2025 तक लगा देगा नीट, क्योंकि मोर देन आपका बता दें यहाँ पे आपको बता दें कम से कम 60% आपका हर स्टेट में लग चुका है नीट, 60% स्टेट में अभी नहीं लगेगा यहाँ पे, अभी नहीं लगने वाला, लेकिन 4-5 साल में लगा देगा, लेकिन 4-5 साल में लगा देगा, 4-5 साल में लगा देगा, अभी मौका है बढ़िया से एग्जाम देकर निकल कर, नहीं तो नीट तो और हार्ड होता है। आगे बढ़े, इसके आंसर बता दो सब, स्मॉल पॉक्स वाला, स्मॉल पॉक्स वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका ये, इसका हो जाएगा आपका वेरियोला आपका वायरस, ठीक है ना, वेरियोला वायरस, चलो वेरियोला वायरस। आगे बढ़े, हाँ चलो आ गया, आगे देखो फिर कर रहे हैं। वेरियोला वायरस हैज, यहाँ पे व्हाट क्या होगा एज जेनेटिक मटेरियल, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, या डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, बताओ सर, बताओ बच्चा, बताओ निधि। बताओ अलका, बताओ इसमें से क्या होगा, सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे।
बताओ बताओ, अलका, अनुज, प्रियंका, शुक्ला, सुन पा रहे सब कोई? एक बार सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे। निधि भी ये बता रही है, साक्षी भी ये बता रही है। अभी ह्यूमन हेल्थ डिजीज का एक और चैप्टर कराएंगे, एक और टॉपिक कराएंगे, एक और टॉपिक कराएंगे, एक और टॉपिक कराएंगे ह्यूमन हेल्थ डिजीज का, उसके बाद ही कुछ कराएंगे। ह्यूमन हेल्थ डिजीज पढ़ के आना सब पढ़ो। चलो इसका क्या हो जाएगा बाबू, इसका क्या होगा आपका, ये कौन सा वायरस रिलेटेड है आपका, में क्या होता है इसमें, पाया जाता है डी पाया जाता है, इसमें डबल डबल स्टैंडर्ड आपका डीएनए होता है, ठीक है ना। जीके का क्लास चूंकि हमने बंद करा दिया है, जीके का क्लास, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, अब जो एप्लीकेशन पे बच्चे पढ़े उनके लिए तो हम धोखा नहीं ना कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे जो बच्चे पढ़े हैं उनके लिए हम धोखा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन के बच्चों का समझ रहे हो सब ना, उनके लिए प्रॉपर हर सब्जेक्ट पढ़ाना, फिर अगर सब यहीं पे पढ़ा देंगे तो बच्चा गड़बड़ हो जाएगा ना एक तरीका से। चलो चलो, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल 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 स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है आगे बढ़े। इसीलिए हमने जीके पर रोक लगा दिया, जीके पर हमने रोक लगवा दिया है। चलो आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। कह रहे कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इन विच काइंड ऑफ द वैक्सीन, बताओ सर। लास्ट है, लास्ट है, लास्ट है विपिन, दो दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है मात्र, दो क्वेश्चन है विपिन, बस 2 मिनट रुक जाओ, उसके बाद हम भी जा रहे हैं, 2 मिनट बस, सारे बच्चे बस 2 मिनट, 2 मिनट का और क्वेश्चन है उसके बाद से आपका, बस 2 मिनट का है, सारे बच्चे बस दो ही हैं, बस इसके नीचे वाला है फादर इम्यूनोलॉजी वाला, हो गया बस, कहानी खत्म। चलो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इज द विच काइंड ऑफ वैक्सीन, क्या होगा इसका, बताना बताना संमित्रा, अंशु पंडित, अंशु पंडित बताना, बताओ अंशु पंडित, संमित्रा बताना, संमित्रा इसका क्या हो जाएगा आंसर। चलो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के लिए ए, ए क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं आपके कौन सा बच्चों ने ए मारा है इसमें से। चलो चलो चलो, यहाँ पे ए ए सही है, बिल्कुल नहीं थी, सही है। चलो 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 ठीक है, चलो 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 आगे बढ़े, आगे बढ़े बाबू, चलो 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 आगे बढ़े मनीषा, चलो विपिन ठीक है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलो पलक, चलो लास्ट क्वेश्चन बता दो सर, बटा लास्ट क्वेश्चन बता दो, बहुत मस्त क्वेश्चन है, देखते हो सब इजी वाला कर लेते हैं। हु इज द नो ऑफ द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी इसका आई मीन आपको बता रहा है आपका, इसका इसका कौन से थे, हु इज द फादर ऑफ, हु इज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी के कौन सा है, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है, बताओ सब, लास्ट ही है, लास्ट ही है, लास्ट ही है, बताओ सब, हु इज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सारे बच्चे एक बार बताएंगे, सारे बच्चे एक बार बताएंगे, ऑप्शन ए कहां से होगा बाबू, ऑप्शन ए कहां से होगा, इम्यूनियोलॉजी, वो इम्यूनियोलॉजी बोल रहे हैं, नहीं होगा ऑप्शन ए, नहीं होगा ऑप्शन ए, नहीं होगा ऑप्शन ए, नहीं होगा ऑप्शन ए, छोड़ के बताओ सब, नेहा बी बता रही है अब, बताओ नेहा, सारे बच्चे जितने बच्चे देख रहे हैं लाइव, सारे बच्चे बताएंगे ऑप्शन ए नहीं होगा। चलो ऑप्शन ए कट, इसको काट दिए, यह नहीं होगा, आगे बताओ, आगे बताओ सब, आगे बताओ सब, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में बताओ, आई मीन दूसरा, तीसरा और चौथा, इसमें से क्या क्या होगा बताओ सब, पहला तो होगा ही नहीं, बता नेहा, चलो इसका करेक्ट आंसर जिन बच्चों ने आपको एडवर्ड जेनर दिया है, बिल्कुल सही दिया है, बिल्कुल सही है कशिश, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कशिश, बिल्कुल सही है कशिश, बिल्कुल सही है, नहीं नहीं ये कहां से होगा ये सब,
चलो चलो, इसका कशिश, कशिश बिल्कुल सही है, कशिश का बिल्कुल सही जवाब है। चलो ठीक है संगमित्रा, चलो सब आज के लिए काफी है इतना, आज के लिए काफी रहने दे इतना, आज के लिए काफी इतना रहने दे, सारे बच्चे बताएंगे रहने दे। चलो बाबू, कोर्स में कोई ऑफर नहीं देते हैं, कोर्स में बाबू मेरे पास कोई ऑफर नहीं है, क्योंकि समझ रहे हो सब ना बात, क्योंकि मेन बात है ना कि अभी 6 महीने का पढ़ाई है, और वैसे भी हमने कोर्स में कभी मतलब ऑफर का क्या बात है, पढ़ने आओगे तो कोर्स में देखो कितना बच्चे बोल रहे हैं सर कोर्स में ऑफर है। मेन बात है कि बाबू अच्छा टीचर है तो ऑटोमेटिक बाबू हमने बच्चों का इस बार रिजल्ट दिया है तो ऑफिशियली बात है ना कि उस लायक हम तो आपसे लेंगे ही कोई बच्चा सो। हाँ अगर आप एक बार में अगर 3,000 नहीं दे पाते हो तो हम आपके लिए ये कर सकते हैं, एक बार में 3,000 नहीं दे पाते हो तो आपके पास यही है कि आप 1,000 करके आप लोग 3 बार में दे सकते हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन आप सोचिएगा कि अब हम 600 में, आप 600 में 99 या 799 बाबू, हम ऐसा नहीं करते, हम दो ही बच्चा को पढ़ाए लेकिन क्लियर बच्चा को पढ़ाते हैं। चलो ठीक है बाबू, ठीक चलो, तो आओ सब, कल तो बंद ही रखेंगे। चलो ठीक है, बाय।